जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के जारी गेट में रहने वाली महिला ने ससुरालियों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के जारी गेट में रहने वाली महिला ने अपने ससुरालियों पर दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट करने का आरोप लगाया। इस विषय में मीडिया से बात करते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि इस समय वह प्रेग्नेंट है और उसके पति ने अबॉर्शन कराने के लिए कहा। जब मैंने मना किया तो उसने मेरे साथ मारपीट की, साथ ही मेके से पैसे लाने के लिए भी कहा। इसमें उसके साथ मेरी जेठानी और जेठ भी उसका साथ देते हैं। अस्पताल में से लड़की को कल उसने चांदबाबू ने बहुत मारा, इसलिए दामाद और उसके भैया ने परवेश ने और सवाना ने भी आए दिन मारते रहते हैं। गाड़ी की मांग करी थी, गाड़ी भी दी, पैसा भी देता है। अब इसको कल बहुत मारा बहुत, जब इनने फ़ोन किया एक लड़के ने और फ़ोन किया वहाँ से, तब हम लेकर आए इसको यहाँ पे क्या नाम कोतवाली में, अब मेडिकल हो रहा है अस्पताल में। समय सरकारी में? जी हाँ, सरकारी अस्पताल में। हाँ किए। कहाँ पर? यहाँ पे कोतवाली में। कोतवाली में? हाँ। तो क्या चाहते हैं? हम मुकदमा दर्ज कराएंगे उसके खिलाफ। कितने साल में शादी करी थी? साढ़े छः साल। शादी में क्या क्या दिया था? शादी में मोटरसाइकिल दी, कूलर फ्रिज अलमारी सारी चीजें दी, उसके बाद में फुल दहेज दिया, पैसा दिया, 8 तोले जेवर दिया। हाँ फिर मांग हो रही है आपसे? हाँ फिर मांग हो रही है। और क्या मांगा जा रहा है आपसे? पैसे मांग रहे हैं। हस्बैंड है नहीं मेरे? अब मेरे हस्बैंड है नहीं, अब पैसे मांगता है। दो बच्चे हैं बस मेरे, दो लड़के हैं। हाँ लड़का शादी शुदा है। मेरे पति ने ना मुझे कल, मैं गर्भवती हूँ तो मुझसे कह रहे हैं इसे गर्भ को गिरा दे। मैंने कहा नहीं, तो कह रहे अपने घर से पैसे लिया, मेरी पहले भी लड़की हुई थी तो अस्पताल में छोड़ आए थे। अभी कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं मेरे पास। क्या है? एक लड़की एक लड़का है। बार बार दहेज मांगते हैं, गाड़ी भी दी थी शादी के 3 साल बाद, फिर भी मारते हैं। और कल तो पहले डंडे से मारा, फिर छुरी उठा ली मेरे ऊपर, मैं छीन रही थी तो मेरे हाथ में छुरी की नुक लगी है। आपके जो कपड़ा बंधा क्या लगा? ये मेरे छुरी की नुक लगी है छीनते में हाथ में। और क्या दिक्कत है आपको? जेठ मारते हैं, जेठानी मारती है, परवेश जेठ और दूसरी जेठानी है सबाना। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? अलमारियों का काम करते हैं। कहाँ पर? जारी गेट में। क्या नाम है? चांद बाबू।